मथुरा वृंदावन नगर निगम में ठेके पर कार्यरत पंप ऑपरेटर ने डैम्पियर नगर स्थित एक पार्क में मीटिंग कर नगर निगम से अपनी मांगे मनमाने के लिए रणनीति तैयार की। इस दौरान पंप ऑपरेटरों द्वारा नारेबाजी भी की गई। पंप ऑपरेटर द्वारा कहा गया कि वह 15-20 वर्ष से नगर निगम मथुरा में ठेके पर पंप ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, उनसे नियमित कर्मचारी के रूप पर कार्य किया जाए और समान वेतन दिया जाए। उनको पंप ऑपरेटर का काम करते हुए वर्षों हो गए हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वह उनका टेंडर कितने रुपए में उठता है और यह नहीं पता कि उनके लिए कितने पैसे आते हैं। उनको सिर्फ 5 एवं 6 हजार रुपए मिलते हैं, बाकी के पैसे और लोगों में बंदरबांट हो जाता है। हमारे नगर निगम से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से एवं सरकार से ये मांग है कि उनसे नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य कराया जाए और उनका वेतन हमारे खाते में डाला जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णमणि सूबेदार है। सूबेदार जी, बताएं आज किन मांगों को लेकर के क्या रणनीति की गई है, आज इस पार्क में क्या है पूरा? मैं आपके चैनल के द्वारा मथुरा नगर निगम 1 से लेकर 70 वार्ड, जलकर विभाग जो पंप लगा रखी है, अब वो पंप चलाने के लिए ठेकेदार को दिया जाता है। ठेकेदार के थ्रू जो कर्मचारी वार्डों में लगे हुए हैं, उनकी मीटिंग हम यहाँ बुलाए थे 1 से लेकर 70 वार्ड। उनकी भी मांग है, हमारी मांग है कि हमको जो है नियमित रखा जाए, संविदा पे रखा जाए। हमको 4,000, 5,000, 6,000 रुपया मिलता है। हम दोनों पारी चलाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। नगर निगम उनको जो पैसा दे रहा है 15,000, 18,000, 20,000 दो पारी का, हमारे पंप पे दो पारी पे दो आदमी रखे जाएं और दोनों को नियमित पैसा जो वहाँ से मिल रहा है, जो अकाउंट में ठेकेदार के अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो पैसा वहाँ से निकल के हमारे पास आते आते 4,000, 6,000, 7,000 रह जाता है। हमें मांग है, हमारे सभी पंप ऑपरेटर भाइयों की मांग है कि हमारा अकाउंट खुलना चाहिए और उस अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अभी तक आप लोगों का अकाउंट नहीं है? नहीं, हमारा किसी का अकाउंट नहीं खुला है और ना कोई अकाउंट में खुला है, और हमने कई बार कोशिश भी की है। जिस तरीके से जो वेतन दिया जाता है वो किस तरीके से आपको? वो ठेकेदार के माध्यम से हमको बुलाया जाता है। कुछ तो जो उसमें पार्षद भी पैसा लेके अपने घर जाते हैं, वो अपने पंप ऑपरेटरों को अपने क्षेत्र में बुला के उनको बांटते हैं। कुछ नगर निगम के जलकर विभाग के कर्मचारी हैं वृंदावन में, वो पूरा पैसा लेते हैं और वो पैसे को जो है अपने हिसाब से बांटते हैं। ठेकेदार उनको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये हमें नहीं मालूम। ठेकेदार को नगर निगम क्या दे रहा है ये भी हमको मालूम नहीं है। कितना पैसा निगम ठेकेदार को दे रहा है, कितने में टेंडर उठ रहा है, ये भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमको कुछ जानकारी मिली है कि 15-20 हज़ार रुपया उनको महीना मिलता है, लेकिन हम पंप ऑपरेटरों को 2-4, 5-6 हज़ार रुपया दिया जाता है। हमारी ये मांग है, आगे जो मार्च का टेंडर होने वाला है, ये जल निगम से टेंडर जो निकलता है उसमें एक लाइन एक शर्त लगाया जाए या बढ़ाया जाए कि इनके अकाउंट में ठेकेदार जो भी टेंडर ले इनके अकाउंट खोले और उनको PF SI इनको मिले, सरकार का जो भी योजना हो हमको प्राप्त हो। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आप जो मांग कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह आप मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ सफाई कर्मियों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जमुना में जो लोग साफ सफाई करते हैं, तो उनके लिए भी कोई मुद्दा उठाया है भाई साहब? उनका मुद्दा ये है, जो साफ सफाई करते हैं नगर निगम जो कर्मचारी लगे हैं उनको जो डूडा से नहीं, उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है समय से, क्योंकि हमने भी कई बार मेयर से भी बात की है, उन्हें 6-6 महीने हो जाते हैं और उनको घर चलाने में बड़ी दिक्कत। क्या ऐसा लगता है उनको जो है, हमें इतनी जानकारी भी नहीं हुआ, जो सफाई कर्मचारी हैं लगे हैं। सुमेधार जी, आज हमने देखा कि जमुना जी में इतनी गंदगी और इतना जल दूषित था कि जो बाहर से श्रद्धालु आए थे वो आचमन करने लायक जल है जमुना जी में। वो नगर निगम का शासन प्रशासन का काम है, उसके साथ सफाई स्वच्छ रखे। ये भारत का देश का है। मांग क्या है फिलहाल? हमारी मौजूदा यही मांग है, हमारी ये हमारी केवल एक ही मांग है कि आने वाला जो टेंडर है, मार्च का जो टेंडर हो रहा है, उसमें जलकर विभाग उस टेंडर में एक हमारा ये जो है जोड़ा जाए पॉइंट कि हमारा अकाउंट PF SI मिले। शासन प्रशासन या गवर्नमेंट अगर इस पर लागू नहीं करती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? हमारा ऐसा ठोस कदम है, हम ऐसी रणनीति बना रखे हैं आपके मीडियम द्वारा हम बताना चाह रहे हैं। पहले हम जलकर विभाग पे धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी बात को नहीं सुनेंगे हम नगर आयुक्त जी से मिलेंगे, नगर आयुक्त भी नहीं सुनेंगे हम DM से मिलेंगे। इसके बाद एक ही घोषणा होगी, पूरे क्षेत्र 70 वार्ड पंप बंद। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय कुलश्रेष्ठ है, मैं वार्ड 48 का पंप ऑपरेटर हूँ।
बताएं आज किन मांगों को लेकर के क्या रणनीति बनाई गई है इस पार्क में, आप लोग इकट्ठे हुए हैं तमाम सारे, नारेबाजी की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? सब भाई लोग बहुत ग्रस्त हैं, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 6,500, किसी को 9,000, किसी को 10,000, किसी को 3,000 रुपये मिल रहे हैं। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं कि ना तो हम आज कोई भी हमको निकाल दे ठेकेदार, तो हम पे ये भी सबूत नहीं है कि हम जो है इसमें यहाँ काम करते हैं। तो हमारी ये मुद्दा है कि जो है हमारी, एक तो हमको संविदा पे ले लिया जाए, दूसरे हमको महीने की 4 छुट्टियाँ मिलें, और हमारा पैसा जो है सबका एक समान मिले जो है, ये हमारा मुद्दा है। नहीं तो आप संविदा पे चाहते हैं या देखिए स्थाई चाहते हैं जो है? देखिए हम संगठन का मेरा नाम कमल सिंह और मैं इस संगठन का महामंत्री हूँ, और मेरी मतलब जो शासन प्रशासन संबंधित विभाग सभी से एक ही मांग है कि इन लोगों का जितने भी पंप ऑपरेटर वार्ड 1 से लेकर 70 तक मथुरा वृंदावन में जो कार्यरत हैं उन सबको नियमित किया जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति को कार्य करते हुए 20 साल 15 साल 14 साल इतना समय गुजर चुका है, इनको इनके कार्य का पूर्ण भुगतान नहीं मिलता, मिलता है तो वो भी बिचौलियों के माध्यम से मिलता है, जो इनके पास पहुँचते पहुँचते आधे से भी कम रह जाता है। तो मेरी शासन प्रशासन से, संबंधित विभाग से, संबंधित अधिकारियों से एवं जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इन लोगों का पैसा इनके खातों में दिया जाए, इनके अकाउंट पर भेजा जाए और इनको नियमित किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है, केवल एक ही मांग है कि इन लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि इन लोगों को मेहनत की है, मेहनत का परिश्रम जो कर रहे हैं इनका फल इनको मिलना चाहिए, इनकी नियमित करने की मांग है और इन लोगों को नियमित किया जाए। जितने भी पंप ऑपरेटर मथुरा वृंदावन में काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए, बस तो मेरी एक ही मांग है। आपने कहीं लिखित में कोई प्रूफ ही नहीं कि हम लोग कर्मचारी हैं? देखिए अभी आपने किसी को ज्ञापन दिया है क्या? देखिए हम इससे पूर्व में 2018 में माननीय सांसद हेमा जी से भी मिले थे, माननीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से भी मिले थे, उन लोगों को हमने ज्ञापन क्या आश्वासन दिया उन्होंने उस वक्त पर हमारी जो परेशानी थी, पैसा कम वेतन मिल रहा था, तो उस समय पर उन लोग कहने पर कुछ वेतन का मतलब बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसमें भी समानता नहीं हुई है, उसमें भी समानता नहीं है, वेतन जो मिलना चाहिए वो वेतन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कहीं पर भी हमारी किसी मांग को सही तरीके से नहीं सुना गया जैसा कि होना चाहिए था, केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन ही मिला हमारे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम सब लोगों को नियमित किया जाए जो इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, नियमित करने का ही मतलब जो मेरी शासन प्रशासन से विनती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी है। क्या पद है आपके पास? मैं पंप ऑपरेटर हूँ, ठेका कर्मचारी के रूप में। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हम 1998 से नगर निगम मथुरा में पंप ऑपरेटर के काम कर रहे हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम सब लोगों को काफ़ी समय हो चुका है, आप हमको सबको नियमित करें मथुरा नगर निगम में जितने भी पंप ऑपरेटर हैं, कि लगभग 350 के आसपास पंप लगे हुए हैं, उनमें जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं सबको नियमित किया जाए, और बहुत जिलों में किया गया है, बहुत पार्टियों के मैनिफेस्टो में है कि वो ठेका के कर्मचारियों को नियमित करेंगे, तो कोई उसमें कानूनी बाध्यता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि योगी जी जाएंगे, हमारे श्रीकांत जी जाएंगे जो यहाँ विधायक भी हैं, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, तो हमारी मांग परिधि पर गौर करेंगे तो ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारी एक ही मांग है, यदि हमारी आवाज़ को नगर आयुक्त साहब सुन रहे हों, महापौर साहब सुन रहे हों, हमारी बात को श्रीकांत जी सुन रहे हों, तो उसको शासन तक पहुंचाएं कि जितने भी ये परिवार हैं, लगभग जब 350-400 परिवार इन्वॉल्व हैं, यदि इनको नियमित कर दिया जाए तो शासन का पैसा भी बचेगा, हम सब लोगों को पैसा मिलेगा, ये सारा जो बीच में बिचौलियों के रूप में जो बंदर बांट हो रही है वो उससे बंद होगी, सबका भला होगा। तो एक सूत्री एक ही मांग है कि सबको नियमित किया जाए।